जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चांदपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। समाधान दिवस में फरियादियों की उमड़ी भीड़। एक विरासत के मामले में लेखपाल कानूनगो के विरुद्ध बैठाई गई जांच। चांदपुर में सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते नहर की पटरी तेज पानी की धार से कटी। नहर का पानी खेतों में फैला, किसानों के सामने खड़ी हुई आफत। जिलाधिकारी के आदेश पर सरकारी अमला मौके पर पहुंचा, ली जानकारी। बिजनौर में आदमखोर गुलदार द्वारा 13 लोगों के मारने के मामले में किसानों के कलेक्ट्रेट में चल रहे धरने में पहुंचे सपा कार्यकर्ता विधायक तस्लीम अहमद व नईमुल हसन। सपाइयों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बिजनौर को आदमखोर से मुक्त कराने की बात कही। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे यातायात सुरक्षा सप्ताह के दौरान शेरकोट थाना प्रभारी किरणपाल सिंह के नेतृत्व में गणमान्य लोगों की बैठक का किया गया आयोजन। नगर के प्रतिष्ठित समाज सेवी ठाकुर संजय गहलोत भी रहे उपस्थित। बिजनौर में दहेज लोभी द्वारा बहू को जान से मारने की नियत से जहरीले पदार्थ का कराया गया सेवन। हालत बिगड़ने पर आनंद फानंद में अस्पताल में कराया भर्ती। बिजनौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आगामी 2024 लोकसभा के सफलता हेतु क्लस्टर के अंतर्गत आने वाली तीनों लोकसभाओं की जिला अध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि की अध्यक्षता में क्लस्टर प्रभारी शिवहरे द्वारा बैठक का किया गया आयोजन। नेहटोर के वीके इंटरनेशनल स्कूल में नशा मुक्ति आधारित कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने कई प्रकार के नाटक प्रस्तुत कर समाज को नशे से दूर रहने के लिए किया प्रोत्साहित। सिहारा में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक नासिर चौधरी के आवास पर राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने पर कांग्रेसियों ने मिठाई बांटकर मनाया जश्न। जलीलपुर के सीतामढ़ी चौकी पर बैठक का किया गया आयोजन। बैठक में व्यापारियों समाजसेवी एवं पत्रकारों की उपस्थिति में डॉग स्क्वाड टीम ने दिखाया टायर। व्यापारियों से अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की अपील की गई। रेहड़ में कुत्ते की वफादारी की किशनपुर की एक कहानी और जुड़ गई, जहां कुत्ते ने गुलदार के चंगुल से अपने मालिक को छुड़ाते हुए अपनी जान गंवा दी। आबादी के निकट हुई इस घटना से गांव वाले बुरी तरह भयभीत। आरआर पब्लिक स्कूल सभागार में भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। शिविर में विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रणय मनु गुप्ता व भारत स्काउट गाइड के सीनियर ट्रेनर एवं आईटी समन्वयक सत्यपाल सिंह रहे मौजूद। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 ट्रेनी आईएएस अधिकारियों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री बोले, भीड़ कितनी भी हो, आकर्षित हो, ठीक से संवाद करेंगे तो हर समस्या का होगा समाधान। नूरपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी व दो बच्चे हुए घायल। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सीएससी में कराया गया भर्ती। चांदपुर में युवक का डेबिट कार्ड बदलकर की धोखाधड़ी। बदमाश ने 50,000 रुपये निकाले। मैसेज अलर्ट से पैसे निकालने की युवक को हुई जानकारी।
बिजनौर के कोतवाली देहात क्षेत्र में अपनी दुकान बंद करके जा रहे व्यापारी से की लूटपाट। व्यापारी की कनपटी पर तमंचा तानकर जेवर व नकदी से भरा बैग लूटा, पैर मारकर व्यापारी को गाड़ी से गिराया। कोतवाली देहात में खेतों में हाई टेंशन लाइन का फॉल्ट ठीक करने गए दो लाइन मैनों को खेतों में गुलदार मिलने से मचा हड़कंप। एक घंटे बाद ग्रामीणों की मौजूदगी में उतरे लाइनमैन। बिजनौर में दो पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर हुआ विवाद, मारपीट में हुई फायरिंग, गोली लगने से दो लोग हुए गंभीर घायल, घायलों को हायर सेंटर किया गया रेफर। बिजनौर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन गुलदार के क्रम में समस्त थाना प्रभारी द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में गुलदार के संभावित स्थानों पर चलाया गया सर्च अभियान। मंडावली पुलिस द्वारा ऑपरेशन इस्माइल अभियान के क्रम में पुलिस द्वारा गुमशुदा दो नाबालिग बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द। बिजनौर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के निर्देशन में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के अंतर्गत शेरकोट पुलिस ने एक अभियुक्त को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर भेजा जेल। अफजलगढ़ कोतवाली में तैनात कांस्टेबल विकास बाबू ने नगरवासियों की मदद से जख्मी गाय का कराया उपचार। पुलिस के इस कार्य से नगरवासियों ने की जमकर प्रशंसा। मुरादाबाद में किसान की गोली मारकर की हत्या, 6 महीने पहले इकलौते बेटे ने कर लिया था सुसाइड। पत्नी ने बताया था कि बेटे की मौत का जिम्मेदार है पति। रामपुर की पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा के खिलाफ मुरादाबाद की MPMLA कोर्ट ने वारंट किया जारी। 4 साल पुराने मामले में कोर्ट के बार बार समन जारी करने के बाद भी गवाही देने नहीं पहुंची अभिनेत्री। मुरादाबाद के 12 रेलवे स्टेशनों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअल शिलान्यास। देश के 508 स्टेशनों का हो रहा है डेवलपमेंट। इन स्टेशनों पर उपलब्ध होगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। संभल में दबंगों ने पुलिस से की अभद्रता और वर्दी उतारने की दी धमकी। बिजली चेकिंग करने गए बिजली परिवर्तन दल के साथ हुई घटना का वीडियो हुआ वायरल। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने एक नामजद व 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज।